है, उमदार जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो भी हैं। उनको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और अजमेर शरीफ बहुत ही अच्छी जगह, मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ बाबे वली नवाज के दरवाजे पे, और जो भी वहाँ पे दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो मैं यही आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका सफ़र अच्छा हो, और आपकी दुआएं अजमेर शरीफ वली नवाज के दरवाजे पे आपकी दुआएं कबूल हों। और आज नूरानी मस्जिद के जो ट्रस्टी है उनका, उनके भी हमारी तरफ से इस्तकबाल हो गया, मैं उनको भी तहदिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जानिब से, नजीब भाई के जानिब से आज ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लिए हैं। आज हम कोई वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन ज़रूर ये साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 2 से 3 इलेक्शन इस बार हमारे देश में हो रहे हैं। लोकसभा है, विधानसभा है, महापालिका भी होंगे। तो हम सबको याद रखना है कि कांग्रेस के सिवाय अभी कुछ रहा नहीं जो हमें महफूज रखेगा, हमें सुरक्षा देगा, और जो एक ही पार्टी है जो बीजेपी और मोदी को हरा सकती है। आपने देखा होगा कि आज लोकसभा और राज्यसभा में भी मोदी जी ने कांग्रेस के बारे में इतना कुछ गलत चलनकार कहा है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतना बुरा क्यों कह रहे हैं हमको, मतलब उनके पैरों की ज़मीन खिसक रही है। लेकिन ये हम से बोलने से नहीं, करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे, अजमेर शरीफ आप जा रहे हैं, मैं आपसे वादा चाहती हूँ आप जाने के पहले हम सबको तय करके, और ये मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, ये मैं आपके लिए मांग रही हूँ, ये मैं हर अल्पसंख्यक दलित गरीब के लिए मांग रही हूँ कि ये हमारा फ़ायदा है, आप सबका फ़ायदा है कि कांग्रेस वापस इस देश में सत्ता करे ताकि हम सबको ताकत मिले। तो इधर उधर मत देखें जी जान से, जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस आई, उसी तरह से इधर भी महाराष्ट्र और पूरे देश में कांग्रेस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरे दो प्यार का ख्याल करेंगे, इतनी इंतजार करती हूँ, और आप सबको और एक बार मुबारकबाद देकर आपकी इजाज़त देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।